देखने को रिटे कर करने की कोशिश कर रहा है जिसको आज हम काफी डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं दट बेटक के कौन से ऐसे मेजर लेवल है जो मार्केट के कम्प्लीट मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं साथ ही हम बेटक सीएम फ्यूचर मार्केट को भी अच्छे से, करेंगे ताकि हम की को अच्छे से समझ सके स्टार्ट so करते हैं guys, पहले मैं ये स्टार्ट करूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट अपडेट है, आप है so लीजिए आपको वीडियो के नीचे बॉक्स मिलेगा उसको क्लिक कर लीजिए एंड उसके साथ आपको ये बेल आइकन देखेगी इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड इस ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस एंड सारे अपडेट्स जो है वो मिलते रहें एंड गाइस इफ अभी तक आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है यू गाइस कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन ट्विटर एट क्रिप्टोलॉजिक इंडिया गाइस इसका भी जो लिंक है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर रखा है सो so आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं एंड मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं एंड गाइस सबकी रिक्वेस्ट के साथ हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको भी ओपन कर लिया है सो so, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं एंड टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक जो है उसको क्लिक कर सकते हैं एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड गाइस मेक श्योर कीजिएगा ऑफिशियल लिंक को ही क्लिक करें इफ आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है एंड गाइस कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजिएगा वॉट आर यूर थॉट अबाउट बिटकॉइन प्राइस एनालिसिस आप बिटकॉइन को लेकर बुलिश है आप बिटकॉइन को लेकर बैरिश है आप बिटकॉइन को लॉन्ग करने का सोच रहे हैं बिटकॉइन को शॉर्ट करने का सोच रहे हैं आप कौन से ऑल्ट क्वेंस के ऊपर एनालिसिस सुनना चाहते हैं सो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजिएगा आपके बेटकॉइन को मार्केट को लेकर क्या व्यूज है एंड हम एक बहुत ही अच्छी एंड हेल्थी कॉन्वर्जेशन जो है वो अपने कॉमेंट सेक्शन में स्टार्ट कर सकते हैं सो so, बिना टाइम लेते हुए गाइस जल्दी से अपनी बिटकॉइन एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं ओके okay गाइस हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करेंगे ओपन इंटरेस्ट के साथ जहां पर करेंटली हम ये नोटिस कर सकते हैं ओपन इंटरेस्ट जो है वो मार्केट में ओपन है एंड अनसेटल्ड है एंड हम ये देख सकते हैं विच मीन दैट मार्केट में जो पोजिशन है मार्केट में जो ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस है वो दोबारा से वापिस आ रहा है गाइज अगर मैं ट्वेंटी फोर आवर रियल वॉल्यूम की बात करूँ टॉप टेन एक्सचेंजेस के अंदर guys, ये काफी ज्यादा लो लेवल पे है कंसिडर दैट आज मंडे है बिलियन इज अ वेरी लो वॉल्यूम गाइज मीन बेट कॉइन में हमें वो क्विक स्कैम बिक भी देखने को मिल सकते हैं जहां पर बिटकॉइन लॉन्ग पोजिशन एंड शॉर्ट पोजिशन दोनों को लिक्विडेट कर सकता है एंड उसके बाद दोबारा से साइडवेज मूवमेंट कर सकता है सो वन बिलियन डॉलर काफी ज्यादा लो वॉल्यूम है मार्केट में अगर मैं फियर एंड रीड इंडेक्स की बात करूंगा सो so मार्केट अभी भी रिसेंटली फेयरफुल जोन के अंदर है हम देख सकते हैं दैट आज जो 43 की रीड हमें शो हो रही है Yesterday ये 47 पे थी सो so मार्केट में प्राइस ऊपर जा रहा है एंड मार्केट स्टिल फियरफुल जोन के अंदर है सो दिस गाइस दैट मार्केट में अभी भी वो जो एक एक्सप्लोसिव मूव है वो आना बाकी है एंड मार्केट अभी भी ज्यादा कॉन्फिडेंट यहां से शो नहीं हो रही है अपसाइड मूवमेंट के लिए अगर मैं फंडिंग रेट की बात करूं गाइस सो में चेक कर सकते हैं दैट जो फंडिंग रेट है वो अभी भी पॉजिटिव है Guys, इसका मतलब दैट मार्केट में अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं सो शॉर्ट पोजीशन मतलब अगर आपकी एनालिसिस कहती है दैट मार्केट नीचे जाएगी सो शॉर्ट पोजीशन को ओपन करने के लिए आपको मार्केट में रिवॉर्ड मिलता है लॉन्ग ट्रेडर से सो फंड फंडिंग रेट है वो अभी भी पॉजिटिव है एंड मार्केट में शॉर्ट पोजिशन ओपन करने के आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं यहाँ पे अगर मैं यहां से 24 फोर आवर बोल सकते हैं फ्यूचर मार्केट कैप्स की बात करूं ट्वेंटी फोर आवर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियस में गाइस हम ये नोटिस कर सकते हैं दैट बाइनेस फ्यूचर बिट बिट एंड फ्यूचर सभी में लॉन्ग पोजिशन ज्यादा ओपन है एस कम्पेयर टू शॉर्ट पोजिशन विच मीन मार्केट अभी भी काफी ज्यादा है अपसाइड मूवमेंट के लिए बट करेंटली ज्यादा मैक्रो रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है सॉरी मैक्रो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है जिसको अभी हम डिटेल में अच्छे से एनालाइज करेंगे सो so की मार्केट को अपडेट करने के बाद जल्दी से अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं एंड गाइस इससे पहले मैं एनालिसिस स्टार्ट करूं इफ आप फ्यूचर ट्रेडिंग में न्यू है एंड बिट को एंड अपने फेवरेट ऑल्ट कॉइन को लॉन्ग एंड शॉर्ट करना सीखना चाहते हैं सो so आप मेरे बायबेट का जो टूटोरियल है वो देख सकते हैं गाइस जिसका लिंक जो है वो टॉप साइड पे पॉपअप हो रहा है

आप ही देख सकते हैं सेवनटीन ऑगस्ट को बिटकॉइन ने हाई क्रिएट किया था ट्वेल्व पे देन उसके बाद दोबारा से ये लोअर हाई जब आपने देखा था फर्स्ट सेप्टेंबर को ऑलमोस्ट ट्वेल्व थाउजेंड डॉलर पे देन दोबारा से लोअर हाई ऑलमोस्ट हमने देखा था नाइनटीन से इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड पे एंड करेंटली बिटकॉइन अभी भी एक लोअर हाई की फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है बट गाइज ये अभी भी कंफर्मड नहीं हुई है जहां पर बिटकॉइन एक काफी ज्यादा टफ सिचुएशन पे है बट हम देख सकते हैं दैट ये मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर भी है बट एट द सेम टाइम गाइस अगर आप बिटकॉइन में बुलिश है, so है, है जो कि लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई देख सकते हैं एंड अगर आप बिटकॉइन बुल हैं तो आप ये लो और ये हायर लो देख सकते हैं सो so आप समझ सकते हैं गाइस दैट बिटकॉइन करेंटली काफी ज्यादा टफ सिचुएशन के अंदर है अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऑन करूं सो गाइस आई नो काफी ज्यादा जो चार्ट है कंफ्यूजिंग लग रहा है सो so मैं इसको मूविंग एवरेज को रिमूव कर देता हूं यहां से सो so आप ये देख सकते हैं guys that Bitcoin एक काफी ज्यादा टफ सिचुएशन पे है अगर आप यहाँ से लेवल्स की बात करें मैक्रो स्केल के अंदर गाइस बेटक को अब यहाँ से कोई भी डेली कैंडल गाइस ओनली एंड ओनली डेली कैंडल क्लोज करना है इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड के ऊपर ताकि ये जो कंप्लीट डाउन ट्रेंड है गाइस आप ये जो कंप्लीट डाउन ट्रेंड जो है वो बिटकॉइन में जो देखते आ रहे हैं डाउन ट्रेंड तभी ब्रेक होगा जब बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल जो है वो 11,200 के ऊपर क्लोज करता है ताकि हम टॉप साइड टारगेट की बात कर सकें जहां पर गाइस फर्स्ट टारगेट जो है बिटकॉइन में वो अप्रोक्सीमेटली इलेवन पे है सेकंड टारगेट जो है वो बोल सकते हैं इलेवन पे है बट वो काफी वीक आप बोल सकते हैं टारगेट है मतलब वो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस जो है नहीं प्रोवाइड करने वाला एंड जो फाइनल टारगेट है वो अप्रोक्सिमेटली ट्वेल्व थाउजेंड डॉलर के लेवल पे है जहां पर हम मार्केट को दोबारा एनालाइज कर सकते हैं गाइस बट ओवरऑल अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं गाइस बिटकॉइन एक काफी ज्यादा टफ सिचुएशन पे है यहां पे एंड इफ बिटकॉइन 11,200 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज करता है आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट बुलिश थिंग जो हमें बिटकॉइन में देखने को मिलेगी टॉप साइड टारगेट के लिए बट अगर गाइस यहां से मैं डाउन साइड टारगेट की बात करूं सो डाउन साइड टारगेट को एनालाइज करना काफी सिंपल एंड ईजी है यहां से गाइज यहां से मैं अगर मूविंग एवरेज इसको ऑन करूं सो आप ये चेक कर सकते हैं दैट 80 सॉरी uh, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज

सो so, बिटकॉइन को एटलीस्ट कोई भी डेली कैंडल अब जो है टेन थाउजेंड एट हंड्रेड के नीचे क्लोज करना है ताकि हम डाउन साइड टारगेट की बात कर सकें सो बिटकॉइन को जो लेवल्स हैं गाइज वो काफी ज्यादा यहाँ पर क्लोज है गाइज अगर मैं मोमेंटम ऑसलेटस की बात करूं सो हम ये कल भी अपनी एनालिसिस में नोटिस कर रहे थे डेली फ्रेशली अपसाइड मूव कर रहे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो करता है गाइज दैट बिटकॉइन बुल्स

10 आवर्स तो कैस्टिक अग्रम अगर हम चेक करें वो भी अपसाइड मूव कर रहे हैं एंड 8 आवर वो भी बुलिश जोन के अंदर है सो ओवरऑल गाइस जो मार्केट को मोमेंटम है वो अभी भी काफी ज्यादा फेवर कर रहा है बिटकॉइन बुल्स के लिए बट लेवल्स भी काफी हद तक यहाँ पर क्लियर हैं गाइस आरएसए अभी भी न्यूट्रल जोन के अंदर है कोई भी बेरिश डायवर्जेंस अभी तक हमें फॉर्म होती हुई नहीं दिख रही है दिस इज जनरली अ वेरी गुड साइन

सो so, हम ये चेक कर सकते हैं दैट वीकली एनालिसिस के अंदर गाइस अगर मैं बॉलेंजर बैंड को क्लोज करूं एंड यहां से अगर हम 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऑन करें सो so गाइस जब भी बिटकॉइन बुल अगर आपको ये जानना अगर आप ये जानना चाहते हो दैट बिटकॉइन एक बुल मार्केट के अंदर है या बेयर मार्केट के अंदर है सो गाइस उसका सबसे इजी तरीका जो है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे जब भी बिटकॉइन 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता है जो आप ये येलो लाइन देख सकते हैं जो बिटकॉइन के चार्ट पे है जब भी बिटकॉइन इस मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता है ये जनरली आपकी बुल मार्केट होती है अगर मैं इसको कंप्लीट आपको स्केल पे शो करू सभी सकते हैं ये जो डेटा है हमारे पास 2012 से आ रहा है 2011-12 से सो so गाइज जब भी बिटकॉइन ये येलो ट्वेंटी ट्रेड करता है ये जनरली आपकी बुल मार्केट होती है जब भी इसे नीचे ट्रेड करता है ये जनरली आपकी बेयर मार्केट होती है आप देख सकते हैं टू से टू तक बिटकॉइन टू हंड्रेड डॉलर से टू ट्वेंटी थाउजेंड के हाई पे था ये कंप्लीट आपकी बुल मार्केट थी देन की बेयर मार्केट हमें देखने को मिली एंड करेंटली हम ये नोटिस कर सकते हैं गाइस दैट बिटकॉइन काफी ज्यादा अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है इस ट्वेंटी एवरेज को जो कि करेंटली गाइस टेन थाउजेंड टू हंड्रेड के लेवल पे आ रही है सो so आप ये समझ सकते हैं गाइस दैट कंप्लीट बिटकॉइन की पिक्चर के अंदर ये जो टेन थाउजेंड का लेवल है ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है दैट बिटकॉइन अगर टेन थाउजेंड के नीचे वीकली के अंडर क्लोज करना स्टार्ट करते है ये में है हम पर चेक कर सकते हैं हम ये भी चेक कर सकते हैं विच मीन दैट मैक्रो स्केल अभी भी काफी ज्यादा वीक है यहाँ पे गाइस जहां पर हम वीकली की बात कर रहे हैं आर एस एस स्टिल न्यूट्रल जोन के अंदर है एंड आफ्टर ऑलमोस्ट गाइज अभी चेक कर सकते हैं After almost फाइव months, हमें फर्स्ट डेथ क्रॉस जो है वो कंफर्म्ड हो जाएगा इस वीक के एंड पे अगर बिटकॉइन 11,000 के ऊपर 11,200 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है सो so, बिटकॉइन एक काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में है गाइस एंड दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस गाइस मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूं चैनल पे बट अगर आप ऑल्ट क्वाइंस को होल्ड करते हैं या बिटकॉइन ट्रेडिंग करते हैं गाइज दिस इज अ टाइम टू जस्ट सेट बैक एंड रिलैक्स एंड बिटकॉइन के चार्ट को आप फोकस कर सकते हैं बिकॉज करेंटली बिटकॉइन एक काफी ज्यादा टफ सिचुएशन पे है से बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म चलते हैं जहां पर हम फोर आवर टाइम फ्रेम की बात करते हैं guys, यही है मैं को पे ट्रेड नहीं करता हूं आप ही देख सकते बिटकॉइन को काफी ज्यादा बुलिश लग रहा था एक अपसाइड मूवमेंट के लिए जैसे ही वीकेंड आया जो ये जो बुलिश चार्ट था बेसिकली वो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ जितनी भी जितनी भी आप ये बोल सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस थी ओवर लेवरेज लॉन्ग पोजीशंस थी वो लिक्विडेट हुई मार्केट में एंड फाइनली जैसे ही नेक्स्ट वर्किंग डे स्टार्ट हुआ बिटकॉइन ने बुलिश पैटर्न को अपसाइड ब्रेक किया जहां पर जो एग्जैक्ट टॉप था गाइस वो 10,950 के डॉलर 10,950 डॉलर्स के लेवल पे था एंड स्टिल बिटकॉइन इस साइडवेज एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है सो गाइज वीकेंड प्राइज एक्शन जो होता है वो काफी ज्यादा आप ये बोल सकते हैं अनरिलायबल होता है एंड इस पर आप ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो गाइज ये मेरा अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन है ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा दैट वीकेंड यू नो वीकेंड प्राइस एनालिसिस काफी ज्यादा अनरिलायबल होता है बट फॉर मी गाइज अगर मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता हूं या बेटकॉइन को या ऑल्ट कोइंस को ट्रेड करता हूँ ये काफी ज्यादा अनरिलायबल होता है गाइज बिकॉज मार्केट में ज्यादा मनी जो है वो ट्रेड नहीं कर रही होती है सीएमई फ्यूचर्स भी क्लोज होते हैं सो so को वीकेंड्स पे ट्रेड करना ज्यादा आप बोल सकते हैं डिफिकल्ट हो जाता है बट करंटली कर so हम देख सकते हैं पे काफी लग रहा है, जो मेजर आप ही बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 10,800 को ब्रेक कर दिया है एंड करेंटली आप देख सकते हैं इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है गुड ऑन द शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम हम देख सकते हैं तो कैस्टिक अपसाइड मूव कर रहे हैं थ्री आवर्स तो कैस्टिक जो अभी हम देखा अपसाइड मूव कर रहे हैं टू आवर अपसाइड मूव कर रहे हैं न आवर भी नीचे आ रहे हैं सो so, अभी भी हम देख सकते हैं गाइज शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे दैट बिटकॉइन बुल्स काफी हद तक कंट्रोल में है बिटकॉइन बुल्स ने काफी अच्छे तरीके से ये टेन थाउजेंड एट हंड्रेड के लेवल को रिस्पेक्ट कर रखा है एंड जितना टाइम बिटकॉइन इस टेन थाउजेंड एट हंड्रेड से ऊपर ट्रेड करता रहेगा गाइज आई डू फील दैट बिटकॉइन के पास एक सॉलिड चांस है इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड को रिटेस्ट करने का जहां पर बिटकॉइन अगर डेली कैंडल अंडर इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड के ऊपर क्लोज करता है हैं उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है दैट बिटकॉइन में हमें टॉप साइड टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं जहां पर अगर हम मूविंग uh, एवरेजेस की बात करें गाइस बिटकॉइन करेंटली सभी मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है आर एस एम में हमें कोई भी बेरिश डाइवर्जन देखने को नहीं मिल रही है सो दिस इज लुकिंग रियली गुड गाइस शॉर्ट टर्म एनालिसिस में बिटकॉइन एक काफी ज्यादा अच्छी सिचुएशन में है बट ओवरऑल गाइस अगर आप यहां से मैक्रो स्केल की बात करें बिटकॉइन काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में है जहां पर लेवल्स की बात हमने ऑलरेडी क्लियर कर दी है बट अगर मैं यहाँ से शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर डाउन साइड प्राइस एक्शन की बात करूं गाइस अगर बिटकॉइन अब कोई फोर आवर कैंडल जो है गाइस

सो गाइस हम ये देख सकते हैं दैट सीएमई फ्यूचर्स का जो चार्ट है वो काफी अच्छा लग रहा है यहां से बट यहां पर जो रेंजेस हैं वो भी काफी हद तक सिंपल है अगर आप बिटकॉइन बेयर हैं मतलब आप चाहते हैं दैट बिटकॉइन नीचे आए सो आप ये देख सकते हैं हाई लोअर हाई लोअर हाई बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में है अगर आप बिटकॉइन बुल हैं एंड आप चाहते हैं बिटकॉइन ऊपर आए सो अभी देख सकते हैं लो हायर लो सो अभी देख सकते हैं दैट बिटकॉइन साइडवेज बोरिंग प्राइस एक्शन के अंदर है बट हम यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हैं गाइज बिटकॉइन करेंटली काफी ज्यादा ट्राई कर रहा है इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का एंड अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है गाइज जो कि कंप्लीट बिटकॉइन के सिनेरियो को चेंज कर सकता है फॉर एन अपसाइड मूवमेंट जहां पर हम टारगेट की दोबारा बात कर सकते हैं अभी भी जो सीएमई फ्यूचर का गैप है गाइज डाउन साइड पे वो फिल नहीं हुआ है आप ही चेक कर सकते हैं नाइनटी नाइन हंड्रेड से लेकिन नाइनटी सिक्स हंड्रेड पे सो ये गैप अभी भी ओपन है डाउन साइड के लिए एंड अगर हम यहाँ आर एस ए की बात करें कोई भी बेरिश डाइवर्जन देखने को नहीं मिल रही है स्टिल लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हेल्दी हम देख सकते हैं that D, sorry, so जो है वो अपसाइड मूव कर रहे हैं फ्रेशली सो दिस इज लुकिंग गुड अगर मैं ट्वेल्व अवर टाइम फ्रेम देखू सो यहाँ पर भी है अच्छे तरीके से अपसाइड मूव कर रहे हैं टेन आवर भी अच्छे से अपसाइड पे एंड एट आवर भी अगर हम यहाँ से चेक करें अपसाइड मूव कर रहे हैं सो गाइज बेटक बोल्स के पास एक बहुत ही सॉलिड चांस है यहाँ से ये यह इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड के लेवल को ब्रेक करने का बट अगर यहाँ से बेटकइन बेयर कंट्रोल ले लेते हैं एंड टेन थाउजेंड एट हंड्रेड का लेवल ब्रेक होता है

ग्लोबल मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक देने को मिल रहा है बेटकॉइन भी उसको फॉलो कर रहा है गाइज अगर मूविंग एवरेज क्लोज करूं एंड अगर मैं लाइन चार्ट से आपको बेटक शो करूं सो चेक कर सकते हैं गाइज द्लू लाइन है मैं बेसिकली यहाँ पर वॉल्यूम को क्लोज कर देता हूँ एंड मूविंग एवरेजेस को क्लोज कर देता हूँ सो गाइज अभी चेक कर सकते हैं दैट ये जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली बेटकॉइन का चार्ट है लाइन चार्ट कैंडल पैटर्न है हैं दैट जब भी मार्केट अपसाइड मूव करता है हम यहाँ पे इसको वीकली स्केल पर चेक कर सकते हैं गाई है, है. ये देख सकते हैं जो कंप्लीट वायरस का पैंडेमिक था यूएस स्टॉक मार्केट फॉल करी बिटकॉइन ने मेजर ड्रॉप लिया थर्टी एट हंड्रेड पे

जहां पर बिटकॉइन में भी हमें टॉप साइड देखने को मिलेंगे सो गाइज यूएस स्टॉक मार्केट को डिटेल में एनालाइज करने के बाद जल्दी से कुछ ऑल्ड क्वाइंस की तरफ चल लेते हैं बिकॉज ज्यादा हमें कुछ ऑल्ड क्वाइंस में देखने को नहीं मिल रहा है हम करेंटली चेक कर सकते हैं गाइज इथेरियम अभी भी काफी ज्यादा ट्राई कर रहा है इस मैसिव थ्री हंड्रेड एंड सिक्स डॉलर के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का आप चेक कर सकते हैं गाइज इफ आप इथेरियम बेयर है सो so ये हाई लोअर हाई लोअर हाई ये डाउन ट्रेंड में है अगर आप इथेरियम बुल हैं गाइस सो यहां पर आप ज्यादा बुलिश नहीं हो सकते बिकॉज ये जो लो था 310 हंड्रेड पे था एंड ये जो अनदर हायर लो था ये 313 डॉलर पे था सो थ्री डॉलर का यहां पर डिफरेंस जो है हमें देखने को मिल रहा है बट इथेरियम इस टाइम पे गाइस करंटली काफी ज्यादा अंडर प्रेशर है एंड अगर आप इथेरियम को लॉन्ग करना चाहते हैं या इथेरियम में बुलिश होना चाहते हैं ट अ फाइनेंशियल एडवाइस गाइज बट आई डू फील दैट यू शुड वेट आपको वेट करना चाहिए एटलीस्ट इथेरियम के डेली क्लोज का जहां पर इथेरियम कोई भी डेली क्लोज जो है वो थ्री हंड्रेड एंड सिक्स के ऊपर क्लोज करता है, जो first target है हमें थ्री हंड्रेड एंड एटी डॉलर पे देखने को मिलेगा एंड उसके बाद हम फर्दर टार्स की बात कर सकते हैं फोर हंड्रेड से लेकर फोर हंड्रेड एंड फोर्टी डॉलर पे डाउन साइड टारगेट है गाइज काफी सिंपल है अगर कोई भी हमें फोर आवर कैंडल या इवन कोई भी ट्वेल्व आवर कैंडल जो है थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव डॉलर के नीचे क्लोज होती है ियम हंड्रेड एंड डॉलर को दोबारा कर सकता है हम देख सकते हैं डेली फ्रेशली अपसाइड मूव कर रहे हैं सो so, यहां पर इथेरियम बोर्ड के पास है काफी अच्छा चांस है गाइस अपसाइड मूवमेंट का सो दिस इज लुकिंग वेरी गुड राइट नाउ आर में कोई भी बेरिस्ट डाइवर्जन देखने को नहीं मिल रही है स्टिल लुकिंग हेल्दी एंड मैगडी में भी हमें जो गोल्डन क्रॉस है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा गाइस ियम कोई भी डेली कैंडल जो है वो थ्री हंड्रेड एंड सिक्स के ऊपर क्लोज करता है सो so, इथेरियम भी, so, का so, so, भी काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन पर है अंडर प्रेशर है करंटली इलेवन डॉलर का ये जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी काफी ज्यादा सॉलिड है एंड यहां पर हमें कोई भी बुलेट रेडियो देखने को नहीं मिल रहा है देख सकते हैं हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई एंड कोई भी आप ये देख सकते हैं बुलिश सिनेरियो नहीं है यहाँ पे जहां पर आप बात कर सके लो एंड हायर लो यहाँ पर भी देख सकते हैं लोअर लो low देखने को मिल रहा है सो यहाँ पर बेयर्स जो है वो अभी भी काफी हद तक कंट्रोल के अंदर है चेन लिंक के अंदर एंड चेन लिंक काफी ज्यादा अंडर प्रेशर है गाइस फॉर डाउन साइड मूवमेंट अगर चेन लिंक बुल्स ये इलेवन डॉलर के ऊपर कोई भी डेली कैंडल क्लोज कर पाते हैं गाइस हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो थर्टीन डॉलर के लेवल पे है एंड उसके बाद हम फर्दर टारगेट की बात कर सकते हैं फोर्टीन डॉलर से लेके सिक्सटीन डॉलर के अराउंड बट अभी भी जो मोमेंटम है गाइस वो काफी ज्यादा वीक लग रहा है फॉर अ डाउन मूवमेंट आप ये देख सकते हैं गाइस डेट्स तो जो है वो फ्रेशली अपसाइड मूव कर रहे हैं बट जो प्राइस एक्शन है वो कंप्लीटली फ्लैट है सो so, ये बेरिश लग रहा है गाइस यहां से डेफिनेटली नो डाउट अबाउट दिस थिंग सो बी वेरी केयरफुल अगर आप चेन लिंक को ट्रेड कर रहे हैं एटलीस्ट आप कॉन्फर्मेशन का वेट कर सकते हैं जहां पर अगर जो चेन लिंक का डेली कैंडल क्लोज है इलेवन डॉलर से ऊपर क्लोज होता है गाइज आई थिंक वेरी वेरी लाइकली चेन लिंक में हमें टॉप साइड टारगेट देखने को मिलेगा एंड जैसे मैंने आपको जो सपोर्ट बताया गया वो सपोर्ट अभी भी सेम है जब लास्ट वन वीक से एनालिसिस में बात कर रहे हैं ये जो एट डॉलर का क्रिटिकल लेवल है इफ चेनलिंग बेर से लेवल को ब्रेक कर देते हैं Guys, days, week के अंदर हमें जो चेनलिंग का प्राइस है वो अप्रोक्सिमेटली फोर डॉलर से फाइव डॉलर के लेवल पे देखने को मिल सकता है सो बी वेरी केयरफुलिसनलिंग काफी टफ सिचुएशन में है गाइस इस वीडियो को यही पर रैपअप करने से पहले जल्दी से बेटकोइन डोम चेक कर लेते हैं आई नो ये जो वीडियो है वो थोड़ी लॉन्गर ड्यूरेशन पे है सो so इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं बेटकोइन डोमिनस को भी जहां पर गाइज नो डाउट बेटक डॉमिनन्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में है। जहां पर हम ये देख सकते हैं दैट करेंटली काफी ज्यादा ऑल्ट क्वाइंस में हमें पेन देखने को मिल रहा है जहां पर करेंटली देख सकते हैं दैट uh, जो बिटकॉइन डोमिनेंस है उसने ये उसनेट के लेवल को काफी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रखा है यहाँ पे सो आई डू फील गाइज जब तक uh, बिटकॉइन डोमिनेंस जो है परसेंट से ऊपर ट्रेड कर रहा है वेरी वेरी लाइकली हमें ज्यादा ऑल्ट क्वाइंस में गेन्स देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज ये जो टोटल टू का मार्केट कैप है गाइस जो कि कंप्लीट ऑय्ड कॉइन का मार्केट कैप है एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन गाइस इसमें बिटकॉइन इंक्लूड नहीं है उसमें भी हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है And ये जो हंड्रेड बिलियन डॉलर का लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आप ऑयलकॉइन मार्केट की के हिसाब से अगर बात करें सो so, अगर अगर हमें बेसिकली आप ये बोल सकते हैं ऑयलकॉइंस में गेन देखने हैं, इसको एटलीस्ट कोई भी वीकली कैंडल जो है

सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड गाइस इफ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर दैट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मैं डेली बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रखूं एंड आप प्रॉपर अपना टेक्निकल एनालिसिस जो है वो मेरी वीडियोस के थ्रू एनहांस कर सके गाइस ताकि आपको मेजर जितने भी लेवल्स हैं एंड जितने भी टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट है वो आप सबको रिमेंबर रहे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस हैव अ ग्रेट डे हैव अ ग्रेट वीक डे प्लीज स्टे एट होम एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच